नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बिहार मिथिला मंच न्यूज़ का जो प्रयास है वो ये है कि दरभंगा ही नहीं उत्तर बिहार के अगर कोई भी जनता या कोई भी मरीज अगर दरभंगा आते हैं तो यूट्यूब में जाकर सर्च करें दरभंगा टॉप 10 हॉस्पिटल, दरभंगा टॉप 10 जो अलग अलग डॉक्टर हैं, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ENT के हो, या आई हो, या पैथोलॉजी हो, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सारी जानकारी। तो इसी के तहत आज हम आपको बता दें कि दरभंगा के नाका नंबर 6 अवस्थित शेखर नेत्रालय जो 1971 में स्थापित हुआ था, उस समय डॉक्टर राज शेखर श्रीवास्तव जिनका एक नाम था, एक पहचान था, और उनके बदौलत आई के क्षेत्र में, आँख के क्षेत्र में दरभंगा में काफ़ी विकास हुए। हजारों मरीज जो बाहर लहान की ओर जाते थे वो वापस दरभंगा लौटने लगे और दरभंगा में उनका इलाज बेहतर तरीका से होने लगा और ऑपरेशन भी। हालांकि उस समय उतना सुविधा नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2007 के बाद हॉस्पिटल का निर्माण किए डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव। उसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने उनका काम संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके से आज भी सैकड़ों की संख्या में मरीजों का ऑपरेशन और इलाज प्रतिदिन होता है। तो हम बता दें, शेखर नेत्रालय से आपको हम दिखा रहे हैं विशेष रिपोर्ट, देखिए, सुनिए, समझिए। हम बता दें आपको टॉप 10 हॉस्पिटल के बारे में हम जानकारी सिर्फ दे रहे हैं, निर्णय लेना आपका काम है। सुनिए कि किनके यहाँ क्या व्यवस्था है, हम बार बार कह रहे हैं, आप व्यवस्था को देखिए, समझिए, उसके बाद जाइए। किसी भी बिचौलिए के चक्कर में मन मत पड़िए, सीधा देखिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आपके जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बिहार मिथिला न्यूज़ का यह प्रयास लगातार चल रहा है। तो देखिए, शेखर नेत्रालय नाका नंबर 6 में क्या है व्यवस्था। इस हॉस्टल का स्थापना हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव ने 1971 में किया था और 1971 से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 2007 में हुआ था। यहाँ पर आँख, नाक, कान और गला का इलाज होता है और सदियों से होता आया है। हम लोग सबसे पहले जब पेशेंट यहाँ आता है तो पहले उसका जो कंप्लेन होता है, जो उसका दिक्कत होता है, उसको सुनने के बाद आगे उसका जांच किया जाता है। और जांच करके जब हम लोग बीमारी के निष्कर्ष निकल जाता है कि उस पेशेंट को क्या बीमारी है, उसी हिसाब से हम लोग फिर उसका आगे उपचार करते हैं। वो जो उपचार उसका होता है उसके लिए यहाँ दवा की दुकान भी है, जो जांच सब होता है, जो मशीन से जांचें होती हैं आँख, नाक, कान या गला के लिए, वो सारा जांच यहीं पर अपने अस्पताल में हो जाता है। यहाँ तक कि जो खून का जांच भी अगर उसको कराना होता है तो हम लोगों ने पेशेंट को कोविड के समय ये सुविधा दिया हुआ है कि उसका जांच भी यहीं कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो जहाँ चाहता है, जिस डॉक्टर से चाहता है, उसके यहाँ भेज के उसका रिपोर्ट मंगवा के उसको रिजल्ट दे देते हैं, ताकि पेशेंट को कोविड के समय में इधर उधर नहीं जाना पड़े। यहाँ पर अंदर ही चश्मे की दुकान, दवा की दुकान और एक्सरे की भी सुविधा है। और ये मशीन सब कहाँ से आया हुआ है? ये मशीन जनरली जापान और अमेरिका का बना हुआ मशीन है, जिसको यहाँ हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ता है और उसका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के लिए ये सब करना पड़ता है। अठारह दिन का ऑपरेशन आजकल जो है वो बहुत ही सूक्ष्म से छेद से किया जाता है और उसका जो सबसे लेटेस्ट, दुनिया में सबसे लेटेस्ट मशीन है वो हमारे पास पिछले 11 साल से है। और उस मशीन से ऑपरेशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट को हमें आँख पे कोई पट्टी नहीं लगाना पड़ता है, पेशेंट को 24 घंटे में ही ठीक हो जाता है और 24 घंटे बाद वो माथा से नहाने भी लगता है, उसको चलने में, जोर से बोलने में, कुछ भारी चीज़ उठाने में कोई परहेज नहीं करना पड़ता। और क्योंकि छेद इतना छोटा या सूक्ष्म होता है कि वो इतना जल्दी भर जाता है कि उससे जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे इन्फेक्शन या चोट लगने से कुछ लेंस खसक जाना, वो सब भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। तो पेशेंट चलते हुए आता है, बिना पट्टी के चलता हुआ उसी दिन देखता हुआ घर चला जाता है। कोविड से रिलेटेड हम लोग कोविड का तो ऐसे इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आँख, नाक, कान, गला में जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी उन सारे चीज़ों का इलाज हो रहा था लास्ट ईयर। क्योंकि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो कोविड का सबसे पहला कंप्लेंट पेशेंट्स का आँख में लाली होना और आँख उठ जाना ही होता था। और शुरू में जब लोग नहीं जानते थे तो इसको काफ़ी लाइटली ले रहे थे, तो जब पेशेंट हमारे यहाँ आता था तो पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको आंख लाल है इसलिए आपको कोविड है,
लेकिन फिर भी पेशेंट को समझा के कि भाई आप अपने घर में अलग रहिए, बच्चों से दूर रहिए, बूढ़ों से दूर रहिए, जितने पेशेंट्स आते थे उनको समझाने का कोशिश करते थे हम लोग। दूसरा, कोविड में सर्दी तो होता ही है तो नाक कान गला का इन्वॉल्वमेंट होता है। पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, ब्लैक फंगस बहुत सुना होगा, तो ब्लैक फंगस के भी कुछ केसेस आए थे, उनको हमने IGIMS पटना और एम्स पटना रेफ़र कर दिया था, क्योंकि उसका जो दवा होता है वो सरकार ने हमें मुहैया नहीं कराया था, तो हम उसका इलाज कर ही नहीं सकते थे बिना उस दवा के। तो सरकार ने जहाँ उसका दवा का स्टॉक बनवाया था पटना में IGIMS या एम्स में, वहाँ हम लोगों को पेशेंट को रेफ़र कर देना पड़ता था। लेकिन समय से उसको डायग्नोसिस कर दिया गया तो आंखें बच गई, जान बच गई और किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग को तो भागने से कुछ होगा नहीं, तो यहाँ सारे स्टाफ को सबसे पहले सिखाया गया कि कोविड का क्या प्रोटोकॉल है, जिसमें हम लोग पहले बचेंगे। अगर हम ही लोग बीमार पड़ जाएंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे होगा। प्लस जो पेशेंट्स आते थे उनको समझाते थे, क्योंकि बिना मास्क के आते थे, बच्चों को मास्क नहीं पहनाते थे, बूढ़ी औरतें कहती थी सांस नहीं लिया जाता है, तो हमें समझाना पड़ता था। कभी कभी उन लोगों को फोर्सफुली कहना भी पड़ता था कि अगर आप मास्क नहीं पहनिएगा तो आपका इलाज नहीं करेंगे। तब पेशेंट फिर इन सब बातों को सुन के मास्क पहनता था, तो वो अपना भी ध्यान रखता था और अपने घर वालों का भी। तो हम लोगों ने ये सब कुछ कोशिश किया, काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग समझ गए और सब कुछ ठीक ही ठाक निकल गया। आँख के ऑपरेशन के लिए तो हम लोग वार्ड में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। नाक कान गला का जो ऑपरेशन होता है, खासकर जैसे टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट कम से कम 5-7 दिन शहर में आसपास ही रहे। तो जो गरीब पेशेंट हैं, जो दूर से आते हैं, जो रोज़ दिन आना जाना जिनको नहीं हो पाता है, उनके लिए वार्ड और रूम्स हैं, जो वो चाहें तो रुक सकते हैं। आँख के ऑपरेशन के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा लोगों को यही कहना है कि अब सबके घर में बूढ़े लोग हैं, तो उन लोगों को 40 साल की उम्र के बाद जिनको चीनी और ब्लड प्रेशर का शिकायत है, उनके आँखों को ज़रूर दिखाते रहें, क्योंकि पहले चीनी के वजह से या उम्र के वजह से जो नस कमज़ोर हो जाता था उसका कारगर इलाज हम लोगों के पास नहीं था। अब कान का नस जो कमज़ोर हो जाता है या आँख का नस जो कमज़ोर हो जाता है चीनी के वजह से या उम्र के वजह से, उसके लिए हम लोगों के पास नया नया यंत्र है, नया नया जांचने का तरीका है, नई नई विधि है उसके इलाज का। तो अगर समय पे आप दिखा लेते हैं तो हम पेशेंट के आँख की रोशनी और आवाज़, कान का आवाज़, दोनों हम लोग उसको उसके मन लायक रख सकते हैं, ताकि पेशेंट अपने बाकी के जिंदगी को ठीक से जी सके। बहुत ही अच्छा है। आपने अलग अलग हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को और उनसे समझने की कोशिश की कि उनके विभाग में आप बाकी लोगों को कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मुहिम। डॉक्टर कितने हैं यहाँ पर? टोटल 8 डॉक्टर्स हैं, सबों ने PG कर रखा है, 3 नाक कान गला में हैं और 5 आँख। और स्टाफ कितने हैं? स्टाफ लगभग यहाँ पर 28 से 32 स्टाफ के बीच है। अलग अलग तरीके से है, इसमें मुफ्त में भी होता है, जैसे आयुष्मान भारत में मुफ्त में होता है, इंश्योरेंस के थ्रू कैशलेस भी होता है, और फिर जब जो पेशेंट को ये दोनों चीज़ नहीं है उसको उसके लिए कैश या पैसा देना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट के चॉइस पे कि वो कौन सा लेंस चूज़ करता है, वो कौन सा पैकेज चूज़ करता है, और उसी हिसाब से फिर पैकेज उसका होता है। मिनिमम लेंस स्टार्टिंग कितने से और मैक्सिमम तक? नहीं, मिनिमम लेंस आप एक्चुअली ऑपरेशन का जो प्रक्रिया है उसमें लेंस तो सिर्फ एक चीज़ है, उसमें आप जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन है कि एक्सपोर्टेड है, वो मल्टी यूज़ है कि सिंगल यूज़ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लस पेशेंट का हर आँख एक जैसा नहीं होता है, आजकल तरह तरह का लेंस आ गया है, तरह तरह का सस्ता लेंस है और महंगा से महंगा लेंस है। लेंस जो सबसे महंगा है अभी मार्केट में वो लगभग 1.25 लाख का लेंस है, तो 1.25 लाख का जब लेंस लगेगा तो बाकी चीज़ें भी लगेंगी, तो वो ऑपरेशन लगभग 1.5 लाख का हो जाएगा। लेकिन अगर 2,000, 1,500, 3,000 का लेंस लगेगा तो 7,000, 8,000, 9,000 में ऑपरेशन हो जाएगा। उसी हिसाब से होता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आदमी जब पैसा ले रहा है तो वो जो पैसा ले रहा है उसी के अंदर का सब सामान लगाएगा, तो इतना सिंपल नहीं है कि लहान में होता है 1500 में, तो DMCH में मुफ्त में भी होता है, तो ऐसे हम लोग ना समझें इस बात को, इतना सिंपल नहीं है जितना आप उसको समझना चाह रहे हैं। वो पेशेंट का आँख देख के उसके लिए कौन सा लेंस है वो देख के जो उसके लिए बेस्ट है वैसे करके हम लोग करते हैं। हम लोग पेशेंट को, हम लोगों का ज़्यादा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि अगर कोई पेशेंट आया है तो उसको अच्छा से अच्छा काम करके दिया जाए,
सस्ता से सस्ता नहीं, अच्छा से अच्छा काम करके दिया जाए, क्योंकि भगवान ने जब जिंदगी दी है और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे तो वो भगवान ने जितने दिन की ज़िंदगी दी है अब वो उसी लेंस से देखेगा आपने ज़िंदगी को। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं पेशेंट का, बनस्पत की सस्ता से सस्ता क्या कर सकते हैं। और HDFC अर्गो का इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड का इंश्योरेंस, और तीन चार कुछ हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ जो जिनका इंश्योरेंस यहाँ पर मान्य है।